सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत अक्सर लोग करती हैं, लेकिन इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के सामने ही महिलाओं ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। बक्सर के सेमरी ब्लॉक में ग्रामीण महिलाओं ने चौबे को बताया कि शौचालय के लिए उन्हें 2000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ी। महिलाओं ने बताया कि वार्ड मेंबर को उन्होंने रिश्वत दी है। वहीं एक महिला ने बताया कि 20,000 की रिश्वत देने के बावजूद उन्हें लाभ नहीं मिला है। वार्ड वाले को, वार्ड वाला क्या होता है? वार्ड नंबर के सदस्य को दिया है। अच्छा वो यहाँ है? यहाँ अभी है? दिनेश भाई नहीं, क्या नाम है वार्ड से? अरे टूट पंचायत पंचायत भवन है आपका। कितना दिन पहले दिए? सभी मोहल्ला का निकलता है, हर मोहल्ला वाली रहती है। आप सब लोग रहती है? आप लोग भी दिए? मैं तो पूछा था, आप हाथ नहीं उठाती है भाई। कौन कौन पैसा दिया है 2000 शौचालय के लिए? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे भाई कौन, आप हाथ उठाइए। अगर वो दिया लगाती क्यों है? पैसा वापस होगा? अभी नहीं, हाथ उठाइएगा तो पैसा फिर वापस नहीं होगा। और ना शौचालय के लिए, मकान के लिए अगर किसी ने पैसा दिया है बिचौलिया को, तो वो हाथ उठाइए जल्दी से, जल्दी। नहीं ना भाई, में भी कोई है? दो बार भाई, दो पैखाना कोई या कोई चीज के लिए भी हो, घूस लिया जाता है। लिया जाता है? नहीं, आपने दिया है क्या? हम तो अभी कुछ काम नहीं किए, हम लोग तो जीविका से करते हैं। बल्कि सुनने में आया है वो नहीं, जो जिनके साथ घटना घटी है वो बताइए। दीदी लोग आती है कि नहीं? बोलिए बात, बताइए, बोलो बोलो बोलो। आप थोड़ा सा देखो, एक सेकंड, हम तुम्हारे पिता है। अरे बेटा सुनो, तुम्हारा पर्दा थोड़ा सा, पर्दा थोड़ा पर्दा में रहना चाहिए, लेकिन इतना पर्दा मत करो। कितना पैसा? 20,000। ये कौन पंचायत की है? खराह टाउन। कौन लिया 20,000? 20,000 सारा बाबा में से मांग लिया, लिया। अरे मांग लिया कोई आप किसी को दिया होगा ना? किसी को बोल, पैसा किसी को दिया होगा ना? कोई बिचौलिया लिया होगा कि हम वीडियो साहब को देख सकते? आप मान लीजिए पैसा छोड़वाइए। एक सेकंड, वो दिया है या पदाधिकारी के नाम पर लिया? पैसा जिसको दिया उसको तो आप जानते होंगे ना बाबा। पैसा दिया तो कोई आदमी आएगा? वही केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि गलत काम करने वालों को जेल जाना होगा। उन्होंने अधिकारियों से एक सप्ताह में मामले की जांच करने के लिए कहा है। आपको जांच में हाथ नहीं, और एक सप्ताह के अंदर कर दीजिएगा, एक सप्ताह के अंदर जांच करके और उनको कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना? वैसे गड़बड़ करने वाले को जेल। कहा मोदी की गारंटी, जो गड़बड़ करेगा वो जेल जाएगा। भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। जो गरीब का पैसा लूटेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। बोलो चाहे या फरहान और पंचायत के कोई, दोनों पंचायत के लोग यहाँ आए, दोनों पंचायत के लोग यहाँ आए, अच्छी बात है। दोनों पंचायत के आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जिनके पास अगर कोई भी पैसा गलत ढंग से कोई बिचौलिया लिया, आप आवेदन लिख करके कल वीडियो साहब को जमा कर दीजिए। कल वीडियो साहब के अगर वीडियो साहब नहीं रहेंगे वहाँ चले गए, तो वहाँ के बड़ा बाबू होंगे। आप आवेदन लिख करके एक रिसीविंग रख लेना। रिसीविंग मतलब आपको ले जाना।
एक कॉपी दे देना, एक कॉपी जो लेंगे उस पर साइन करवा लेना कि हमने आवेदन पाया। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं। ऐसे में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी होगी। अब तो बात केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे तक भी पहुंच गई है। देखना होगा कि चौबे भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई करती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।